दिहिन पाट का वायरलेस सेंसर है जिसका दूसरा नाम है अमेजन असिस्ट। अब इस सेंसरी खतरे में, कुछ सदियों बाद आप इस सेंसरी को भूल भी जाएंगे और इसे इतिहास के पन्ने में दर्ज हुआ रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो शायद इस सेंसरी को देख भी ना पाया, सिर्फ इतिहास के पन्ने में ही पढ़ के खुद जान पाया कि वो सेंसरी खतरे में। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। मैं नाम अमित्री, आप सबका स्वागत है। तो गाइस चलिए धूम पटके के बारे में थोड़ा जानते हैं। धूम पटके सिचुएटेड इन डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया आसाम। इट्स कवर इन एरिया ऑफ 111.93 स्क्वायर। इट्स एन होम ऑफ लियोपॉड, पार्किंग बियर्स, एलिफेंट, फॉक्स एंड मेनी मोर स्पीशीज। इट्स ऑल्सो एन होम ऑफ 293 बर्ड स्पीशीज। यदि इस पार्क को नष्ट नाबूद कर दिया जाए, यदि इस पार्क को बंजर बना दिया जाए, तो सोच के देखिए हमारे एनवायरमेंट में कितना इफेक्ट होगा और ये जो स्पीशीज है इन सबके लाइफ में कितना इफेक्ट हो सकता है। तो सोच के देखिए कि आप ऐसा होने दे सकते हैं। 2020 की स्टेटिंग से हम सब कोरोना से लड़ रहे हैं और उसी का साथ और एक नया मुसीबत हमारे आसाम के बहुत ही सुंदर वाइल्ड लाइफ रिजर्व धीम पटका है अब खतरे में। जब से नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज कंसिडर एलोइंग कोल माइनिंग इन दिस रिजर्व, तब से रिजर्व एलिफेंट रिजर्व खतरे में है। वहाँ पे जितने भी स्पीशीज रहते हैं उन सबकी लाइफ अब डेंजर में। इस समय ऐसा डिसीशन सरकार की तरफ से कि 2019 में जब एक रेन फॉरेस्ट जल रहा था, आप सबको याद होगा, शायद भूले नहीं होंगे, उस समय आप सबने बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया कैंपेन चलाया था जैसे कि सेव द अमेजन, सेव द लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, माई हार्डेस्ट है। यह सब इतना वायरल हो गया कि वहाँ का प्रेसिडेंट, ब्राज़ील का प्रेसिडेंट के ऊपर पूरा दुनिया से प्रेशर आने लगे कि तुम्हारे देश का जंगल जल रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। और ऐसा ही कुछ हमारे देश में होने जा रहा है, हमारे देश के रेन फॉरेस्ट के ऊपर होने जा रहा है। तब तक चुप क्यों, क्यों सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चला रहे, क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? यदि अभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो ये जंगल नहीं बचेगा, वहाँ का जो जितने भी स्पीशीज है सब शायद मर जाएंगे। तो यही समय है प्रोटेस्ट करने का। यदि अभी प्रोटेस्ट नहीं करते तो कभी नहीं। थोड़ा सोच के लिए कि हमारा कर्तव्य नहीं बनता इस फॉरेस्ट को बचाना, कि हमारा कर्तव्य नहीं बनता उन सब स्पीशीज को बचाना, कि हम वहाँ पे कोल माइनिंग होने दे सकते हैं? यदि नहीं तो आइए सब एक साथ और प्रोटेस्ट कीजिए, सोशल मीडिया कैंपेन चलाइए और इस माचेदर को रोकिए। हम सिर्फ ये चाहिए जो इस माचेदर को रोक सकते हैं और भीम पटका को बचा सकते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलाइए सोशल मीडिया कैंपेन, यूज़ कीजिए हैशटैग #IAMDHIMPATKAI, सेव धीम पटका। जय हिंद जय भारत। प्लीज एवरीवन सेव द धीम पटका, सेव धीम पटका। लेट्स स्टैंड टुगेदर फॉर धीम पटका। स्टॉप कोल माइनिंग and save our Dihing Patkai. Save Dihing Patkai, save nature, stop coal mining.